गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन सूर्यकांतम मंदिर जाकर घर वापस आ रही थी। रास्ते में एक स्कूल के बाहर एक गरीब आदमी बैठकर आइसक्रीम बेच रहा था। वो आदमी स्कूल के बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से बात करते हुए उन्हें आइसक्रीम दे रहा था। वहीं थोड़ी सी दूर पर एक लड़का खड़ा होकर देख रहा था। उधर सभी बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे, पर वो दूर खड़ा आइसक्रीम की आशा से उन्हें देख रहा था। ये सब देखकर सूर्यकांतम मन में, बेचारा बच्चा, पैसे नहीं है शायद, आइसक्रीम नहीं खरीद सकता, इसीलिए देख रहा है, मैं दिलाती हूँ, सोचते हुए उस बच्चे के पास जाने लगती है कि इतने में ही आइसक्रीम बेचने वाला आदमी बच्चे को देखकर, क्या बात है बेटे, भूख लग रही है क्या बेटे, आजा आजा आइसक्रीम खाओ। भूख तो लग रही है पर मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, पहले तो तुम आइसक्रीम खाओ, बोलकर आइसक्रीम देता है। वो बच्चा आइसक्रीम लेकर बहुत खुश हो जाता है और तुरंत ही आइसक्रीम खाने लगता है। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? मेरा नाम भीमड़ू है। अच्छा भीमड़ू, बहुत अच्छा नाम है। मेरा नाम रामड़ू है, पर तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता मर चुके हैं, मेरा कोई नहीं है। अच्छा बेटे, रो मत, चुप हो जाओ बेटा। ठीक है, फिर क्या तुम मेरे साथ रहोगे? मेरा भी कोई नहीं है, तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा, बहुत पढ़ाऊंगा भी। जो सुनकर भीमड़ू ठीक है कहकर मान जाता है। ये सब देखकर सूर्यकांतम मन में सोचती है, ये आइसक्रीम बेचने वाला शायद बहुत अच्छा इंसान है, भूखे बच्चे को बुलाकर उसे आइसक्रीम खिला रहा है। कोई नहीं है कहने पर मैं सब कुछ देख लूंगा कह रहा है, पर इसे देखने पर लगता है इसके पास भी ज्यादा पैसे नहीं है, वो बच्चे को कैसे पढ़वाएगा। यूं मन में सोचते हुए सूर्यकांतम आइसक्रीम बेचने वाले के पास जाती है। अरे बेटे, बहुत देर से तुम दोनों की बातें सुन रही हूँ, ऐसा पूछ रही हूँ सोचकर बुरा मत मानना, तुम्हें देखने पर लगता है तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तुम इस लड़के को कैसे पढ़ाओगे, कैसे ख्याल रखोगे। आप सच ही कह रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, पर इस लड़के को देखने पर मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। मैं बचपन से ऐसे ही अनाथ बड़ा हुआ हूँ, बहुत दुख देखे हैं मैंने। अब इस लड़के को बिना किसी कष्ट झेले पाना चाहता हूँ, अच्छे से पढ़ाऊंगा भी, अपने बेटे की तरह रखूंगा। ये सब सुनकर सूर्यकांतम को लगता है रामड़ू नाम की तरह ही बहुत ही अच्छा आदमी है। अरे वाह, पसंद आए हो तुम, 100 साल तक जियो, तुम्हारे लिए ये बच्चा बेटे की तरह है, तो मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो बिना संकोच किए मुझसे कहना, ठीक है ना? जिसके जवाब में रामड़ू ठीक है कहकर सर हिलाता है। इस तरह रामड़ू भीमड़ू को स्कूल में दाखिल करवाता है और बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। भीमड़ू के लिए रामड़ू और भी ज्यादा मेहनत करते हुए पैसा कमा रहा था, वो दोनों बहुत ही खुश थे। कभी कभी सूर्यकांतम उस तरफ जाते हुए और इन दोनों को खुश देख बहुत खुशी महसूस करती थी। एक दिन सूर्यकांतम उस तरफ से जा रही थी। क्या है ये लोग, क्या हुआ है इन्हें, कहते हुए सोचने लगती है। उतने में ही थोड़ी दूर पर भीमड़ू आते जाते लोगों से पैसे मांगता देख सूर्यकांतम हैरान हो जाती है। सूर्यकांतम भीमड़ू से पूछती है, क्या हुआ बेटे, क्या बात है, स्कूल जाए बिना यहाँ भीख मांग रहे हो, रामड़ू कहाँ है? तब भीमड़ू रोते हुए, वो हर रोज की तरह है, मेरा रामड़ू आइसक्रीम बेचने के लिए गया था, अम्मा वहाँ पर कुछ गुंडों ने हफ्ता देने के लिए कहा, बेचारा रामड़ू एक एक रुपया जमा करके मुझे पढ़ा रहा है, ऐसे में उस दिन की पूरी कमाई उन लोगों को कैसे दे देता, नहीं दूंगा कहकर जोर से बोलने पर रामड़ू को मार कर वो लोग पैसे लेकर आइसक्रीम की गाड़ी तोड़कर चले गए। बेचारे रामड़ू को बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं दवाई के लिए पैसे न होने के कारण लोगों से भीख मांग रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद सूर्यकांतम को रामड़ू और भीमड़ू पर
बहुत दया आती है। उन दोनों के प्यार अनुबंध को देखकर बहुत अच्छा लगता है। उसी समय उन गुंडों पर बहुत ही गुस्सा भी आता है। तुरंत ही बीमड़ू को लेकर रामुड़ू के पास जाती है। अपने मैजिक से रामुड़ू के सभी चोटों को गायब कर देती है और टूटे हुए आइसक्रीम के ठेले की जगह पर मैजिकल आइसक्रीम का ठेला देती है, जो देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में भी अपनी ये माँ याद नहीं आई क्या? ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब से तुम किसी से भी मत डरना। ये मैजिक आइसक्रीम का ठेला है, ये तुम उन लोगों को प्यार से दो, बस बाकी सब वही देख लेगी। ये सुनकर रामुड़ू और बीमड़ू बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन गुंडे हफ्ता वसूल करने के लिए फिर से आते हैं। सूर्यकांतम ने जो कुछ भी कहा वो सब याद करके हिम्मत से रामुड़ू बिना डरे वही खड़ा रहता है। क्या है, कल खाई हुई मार काफी नहीं है क्या? हफ्ता निकालो। कल आप लोगों ने दिया था और आज मैं दूंगा। जो सुनकर वहाँ खड़े सभी गुंडे रामुड़ू को देखकर जोर से हंसते हैं। उनमें से एक और गुंडा क्या आप तुम हमें मारोगे? मारो तो सही। नहीं भैया, मैं जो आप देखने वाले थे वो जो आपने कल दिया था ना, वही नहीं है, आइसक्रीम है। बोलकर उन लोगों को आइसक्रीम देता है। गुंडे ऐसा सोचते हैं, अब सही रास्ते पर हो, इसीलिए हम लोगों को आइसक्रीम दे रहे हो। दो आइसक्रीम दो, अच्छे से खाकर दिखाते हैं। तब रामुड़ू सूर्यकांतम के दिए मैजिकल आइसक्रीम के ठेले में से आइसक्रीम निकालकर उन्हें देता है। उसे खाकर वो लोग बहुत कूल हो जाते हैं। उनमें से अच्छाई और इंसानियत बाहर आने लगती है। वो रोते हुए रामुड़ू से कहते हैं, तुम कितने अच्छे हो, आपके पास से पैसे लेकर हमने बहुत बड़ी गलती की है, अब कभी भी आपके पास नहीं आएंगे। कहकर खुद के पास से सारे रुपए निकालकर रामुड़ू को दे देते हैं। और दूसरा गुंडा रोते हुए, सच में हमें माफ कर दो भैया, माफ कर दो, कभी भी तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे, तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो हमें बताना ब्रदर, हम हैं तुम्हारे लिए, कहकर रोते हुए चला जाता है। तब रामुड़ू मन में सोचता है, इस ठेले में से जो भी आइसक्रीम खाएगा उनमें से सच्चाई और इंसानियत बाहर आएगी। अम्मा सूर्यकांतम, थैंक्स अम्मा, मन में कहता है। तब से उसे जो भी सताने के लिए आता उन्हें ये मैजिकल आइसक्रीम देता। वो लोग रामुड़ू को सताना बंद करके हेल्प करके चले जाते। इस तरह रामुड़ू और भीमुड़ू बिना किसी कष्ट के खुशी खुशी रहने लगे। अरे तुम्हें आइसक्रीम चाहिए सीधे सीधे पूछ सकती हो ना, ठीक है कौन सा फ्लेवर चाहिए बोलो। उस पर चंद्रकांता बहुत खुश होकर ऐसा कहती है, मुझे बटरस्कॉच चाहिए सासु माँ। तब सूर्यकांतम अपने कमरे में जाकर लेकर आती है, जो देखकर चंद्रकांता मन में ऐसा सोचती है, क्या है ये, फ्रिज तो किचन में है ना, सासु माँ अपने कमरे में से आइसक्रीम ला रही है, कैसे, वो भी जो फ्लेवर मांगो वो फ्लेवर, उस रूम में क्या है, सोचती है। सूर्यकांतम के लाए हुए आइसक्रीम को खाते हुए चंद्रकांता सूर्यकांतम से ऐसा कहती है, आइसक्रीम किचन में से ना लाकर अपने रूम में से ला कर दिया आपने, क्या है आपके रूम में। सब सुनकर सूर्यकांतम मन में ऐसा सोचती है, अरे बाप रे, इसे अगर मैजिकल फ्रिज के बारे में बताया तो वो जाकर कोई ना कोई बेकार काम करेगी, इसे बिना बताए रहना ही ठीक रहेगा। मन में सोचकर चंद्रकांता से ऐसा कहती है, तुम्हें किस लिए, चुपचाप आइसक्रीम खाओ। जिस पर चंद्रकांता का शक और भी बढ़ जाता है। वो अपने मन में ऐसा सोचती है, मेरी सास जरूर मेरे पास कुछ छुपा रही है, कुछ भी करके पता करना होगा। सूर्यकांतम के ना होने का टाइम देखकर धीरे से किचन में जाकर फालूदा बनाती है। मैजिकल लैंप में से जीनी को बुलाकर कहती है, भाई जीनी, क्या कर रहे हो भाई, फालूदा खाओगे क्या, कहकर बुलाती है, जो सुनकर जीनी बाहर आकर ऐसा कहता है, बोलो दीदी क्या बात है, मुझसे क्या काम आ गया तुम्हें। चंद्रकांता शॉक्ड हो जाती है,
मुझे तुमसे ये कहना है, ये तुम्हें कैसे समझ में आ गया? तुमने प्यार से फालूदा पियोगे क्या भाई कहकर पूछना, इसलिए मुझे समझ आ गया तुम फ्री में कुछ काम नहीं करती हो ना। अरे इतनी तारीफ मत करो मेरी। ठीक है, सुबह मेरी